बेचारे खाद इतनी महंगी करते हैं, 1700 रुपया की DAP डाल रही आलू में, आलू इतना सस्ता बेचते हैं, 200 रुपये 250 रुपये कट्टा बिका है, वो तो किसान तो मरा ही को फिर चारू दिया में बटन दबा कुंता वोट भर रहा है। अच्छा काय और काय, वो तो कह रहे बेईमानी होती नहीं है। कौन नहीं होती है, जनता वोट देती है। जनता वोट क्यों देती है, वोट गाँव दो जा रहा, वोट गाँव मिल रहा है, किसका माहौल लग रहा है। जो मजदूरी करते थे वो मजदूरी भी नहीं मिल रही है। अच्छा ट्रैक्टर वाले मिट्टी का भर के लिए पुलिस पकड़ लेती है। दादा एक चीज बताइएगा कि इटावा में विकास कार्य कैसा चल रहा है? कुछ नहीं हो रहा है इटावा में, विकास कार्य नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है इटावा में। इटावा का विकास, इटावा के विकास कार्य की बात की जाए कैसा चल रहा है? इटावा में कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं है। नमस्ते दादा। नमस्ते, कैसे हैं आप? सही है। अच्छा क्या काम करते हैं आप? कर रहे बरुआ रुआ भत्त गिट्टी। अच्छा बालू आलू भरते हैं तो मजदूरी करते हैं आप? हैं मजदूरी करते हैं। अच्छा कितना कितना रुपए तक आपको मिल जाता है एक दिन? अरे जो है 100 हो जाए, 200 हो जाए, 50 हो जाए, कहो तो ना कछु ना मिले। अच्छा तो जैसे सरकार से कोई सुविधा वगैरह नहीं मिल रही? हमें को सुविधा में राशन तलक नहीं है। अच्छा राशन भी नहीं मिल रहा? कुछ राशन नहीं। अच्छा हाँ आज से 10 साल से डीलर ने काट होता हूँ राशन। अच्छा डीलर ने राशन काट दिया? राशन कार्ड काट दिया? हाँ राशन कार्ड ही काट लिया। अच्छा क्या लग रहा है, तो 2024 का चुनाव आ रहा है केंद्र वाला जिसमें प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या लग रहा है किसका माहौल देखने को मिल रहा है, बातचीत होती होगी? हाँ अखिलेश का बनेगा। अखिलेश का बनेगा? अखिलेश का। ऐसा तो नहीं इटावा में है आप इसलिए बोल रहे हैं? ना अखिलेश का बनेगा। अच्छा इस सरकार तो थक गए, अखिलेश सरकार में जीता तो राशन तो सभी मिल रहा हूँ तू। अच्छा। मिट्टी का तेल भी मिलता था, चीनी भी मिलती थी, अब मिट्टी का तेल भी बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। अच्छा कि चावल वो दे देगी तो गेहूँ खा ले बस, और कुछ नहीं जनता के लिए। तो आपका कहने का मतलब है चेंज होगा? चेंज होगा। अच्छा चेंज होगा। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है वो बहुत सारी सुविधाएं भी दे रही है, बोल रहे हैं कि 5 किलो राशन दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि किसानों को 2000 रुपये दे रहे हैं, वो आ रहे हैं? तो 2000 रुपये का 4 महीने बाद 2000 रुपये किसान के लिए कावा के लिए। अच्छा। बेचारे खाद इतनी महंगी करते हैं, 1700 रुपये की DAP डाल रही आलू में, आलू इतना सस्ता बेचते हैं, 200 रुपये 250 रुपये कट्टा बिका है, वो तो किसान तो मरा ही को फिर चारू है। अब बा में आलू पैदा हुआ रही भाई 25-35 पैकेट के भीगा निकल लिया, अब बाद से किसान का कर ली 1500 रुपये 1750 रुपये बोरी डाली DAP पानी खाद तमाम दवाइयाँ, उसकी तो लागत होगी उसमें 7000 रुपये बीघे की, आलू निकल रहा 5000 रुपये बीघा, 2000 रुपये वो काय काम के तो वहीं चले गए। वो तो किसान यार बाकी छाती बहुत बड़ी है, वो कहा जहाँ में नहीं फसल में फसल में लगे। अच्छा बात की जाए फसल का मूल्य ठीक नहीं मिल रहा क्या? कुछ नहीं मूल्य मिल रहा, नहीं मिल रहा। तो देखिएगा और भी लोग मौजूद हैं, और भी लोगों से बातचीत करेंगे, आप भी समझ सकते हैं इटावा का चुनावी माहौल क्या देखने को मिल रहा है। तो नमस्ते अंकल। नमस्ते। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। अच्छा कहाँ? इटावा के रहने वाले? इटावा के। तो ये बताइए चुनाव का माहौल क्या लग रहा है? बढ़िया है, कुछ दिन बाद चुनाव है, आचार संहिता लगने वाली है, खूब लग ही रहा आचार संहिता का फर्क पड़ता है। अच्छा किसका माहौल लग रहा है? जो मजदूरी करते थे वो मजदूरी भी नहीं मिल रही है। अच्छा ट्रैक्टर वाले मिट्टी का भर के लिए पुलिस पकड़ लेती है। अच्छा थाने में 10,000 दे 20,000 तो ट्रैक्टर चलाओ, कहीं मिट्टी पड़ने को नहीं मिली तो 20,000 रुपये चले गए हमारे, वो तो मर ही रहे। अच्छा और क्या? तो क्या लग रहा है इस चुनाव में क्या होगा? लग का रहा है अखिलेश ही जीते, अखिलेश का चुनाव ही है। अच्छा अखिलेश का चुनाव? जनता दुखी हो चुकी है बहुत भयंकर, वहाँ पर कोई कह दे कि सरकार भाजपा की, हम तो कह रहे खुलियाम नहीं बनेगी। अच्छा कि हम परेशान है, जो इंसान परेशान होता वही रोता है। अच्छा आप परेशान है क्यों? अभियाल मिट्टी की ट्रॉली भर के लिए अभियाल पुलिस पकड़ लेगी। अच्छा 5000 का चालान है, कहाँ से लाऊं 5000 बताओ? सही दो पैसे की कमाई नहीं है, सुबह से खड़ा एक चक्कर नहीं मिला, एक चक्कर हमको 300 रुपये का, एक भी चक्कर नहीं मिला तो बच्चों को क्या खिलाएंगे। अच्छा क्या आप ड्राइवर हैं? ड्राइवर हैं। अच्छा हाँ तो घर का खर्चा वगैरह कैसे चलाते? ऐसे ही चल रहा है, ये चक्कर वक्कर मिल गया तो पड़ गया, नहीं तो बैठे। अच्छा रोजी रोटी चल रही है जैसे जैसे चल रही तैसे चल रही है। तो आपका आपका भी यही कहना है कि बदलाव हो सकता है? बिल्कुल होगा, अगर बेईमानी करी हुई तो नहीं हो सकता है बदलाव। मोदी जी तो बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं ये काम किया दिया, मुझे तो कुछ नहीं दिया, और वो दावे भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने ये काम किया है, करे हुए उनके जो निजी होंगे खासकर था उनके लिए किया है, हमारे लिए क्या किया। आपको लग रहा है बदलाव हो सकता है? होगा, हो नहीं सकता है, होगा। इटावा में भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 बार जीती है विधानसभा, वो जीती है सब बेईमानी जीती है। अच्छा बेईमानी से और क्या, कौन सी ईमानदारी जीती है? मंदिर में कसम खाई। और भी पार्टियों का यहाँ वो मिट्टी अपने घरों में मिट्टी डाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं,
हम मिट्टी डाल रहे हैं तो हम पुलिस को दो। अच्छा, वो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हम कर रहे हैं तो गलत हो गए। बताओ, आप ही बताओ, आप अपने प्लाट से मिट्टी खुदवा सकते हो? नहीं खुदवा सकते हो, उसे भी पहले परमिशन लीजिए, हम अपनी जगह का भी परमिशन लें, मजदूरी करें उसमें भी परमिशन लें। अच्छा, ये है और क्या, अपने खेत में जैसे मिट्टी ले जा रहे घर में डालने की उसके भी लिए परमिशन लो। अच्छा, अब प्लाट जैसे हमारा प्लाट जैसे है कोई, हमने कही चलो खेत में तो अपने उठा रहे टीली टाला है तो भाई अपना भरा कर लें। हाँ। अब बाकी ले परमिशन लेने जाओ काय जब खोदी मट्टी। अच्छा। गैर पैसा बाहू में नहीं, बाहू में दे 2,000 रुपए तब तो परमिशन कहे 2 दिन के अंदर डालो मट्टी खोदने की परमिशन ले जा रही है। और क्या, ये प्लॉट खोदने पड़ा, 2 ट्रॉली उसने भरी थी। अच्छा। तब तक पुलिस आ गई, उसने बंद करा दिया प्लॉट, वहीं पड़ी खोदने नहीं दिया। आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है, क्यों क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवचरण। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? हम शटरिंग का काम करते हैं। शटरिंग का काम करते हैं। हाँ। क्या माहौल लग रहा है चुनाव का, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने चर्चा की है। कह रहा है सो माल सही है, ये लोग जो लोग भैया बता रहे हैं वो सही है, वो सही है। अच्छा, आपके अनुसार क्या है? हमारे अनुसार जो कह रहा है तो भाई हवा चल रही है, हवा भाई मुलायम सिंह की। मुलायम सिंह? हाँ। अच्छा, तो बेईमानी से जीती है तो बात अलग गए। अच्छा। हाँ, मतलब आपका कहना बेईमानी भी होता है? कहानी होती है, अब हमें बटन दबा कौन तो वोट भर रहा हुआ। अच्छा, काय और काय, वो तो कह रहे बेईमानी होती नहीं है। कौन ही होती है, जनता वोट देती है। जनता वोट क्यों देती है, वोट काउ दो जा रहा, वोट काउ मिल रहा हुआ। अच्छा। हाँ, आपका कहने का मतलब है ईवीएम गड़बड़ है? हाँ। अच्छा, काय सरकार ऊपर तो नीचे ना आएगी, वो कछु कर सकत हुआ। इटावा का विकास, इटावा के विकास कार्य की बात की जाए, कैसा? इटावा में कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं है, नहीं है। अच्छा, हाँ, चलिए। तो दादा एक चीज बताइएगा कि इटावा में विकास कार्य कैसा चल रहा है? कुछ नहीं हो रहा है इटावा में, विकास कार्य नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है इटावा में। और बताया जा रहा है कि अच्छा खासा कार्य हो रहा है। कहाँ हो रहा है बताओ? रोडें बन रही है जी, कहाँ बन रही है, कहाँ काम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, रोड तो मैंने भी देखी, इटावा की ठीक ठाक रोड है। अब अरे तो मुलायम सिंह के जमाने की है यार, इस जमाने में एक गिट्टी नहीं पड़ी यहाँ पे रोडों पे। अच्छा। चलो हमारे साथ चलो, हम दिखाएं कैसी रोड है यहाँ पे। अच्छा, पुरानी रोड बनी हुई है, बस पुरानी। अच्छा, यहाँ नया जब नहीं हुआ है, जब अखिलेश की सरकार थी जब, उस समय तो हुआ था काम। अच्छा, हाँ। तो आपका कहने का मतलब है विकास कार्य नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है बिल्कुल, इटावा में तो हो ही नहीं रहा कुछ। चलिए, तो आप लोगों ने देखा इटावा की आम जनता की क्या राय थी, और सभी लोगों ने अपना अपना मत रखा। कमेंट करके आपको बताना है 24 का खेल जो हम लोग एपिसोड चला रहे हैं, आपको इसमें कमेंट करके बताना है कि आपको किसका माहौल देखने को मिल रहा है। धन्यवाद।